नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, फोटोशॉप के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे इरेजर टूल। तो चलिए, मैं फोटोशॉप पर क्लिक कर दिया। मेरे पास फोटोशॉप 2019 है। आपके पास इससे एक लो वर्जन है तो भी आपको चलेगा। तो चलिए, मैं ओपन में गया, मैं कुछ फ़ोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो को एक फ़ोटो एक बैकग्राउंड का मैंने ले लेता हूँ। लेने के बाद हम लोग एक पेज ले लेते हैं। चलिए, मैंने एक पेज भी ले लेता हूँ और मेरे पास पेज है, भाई बैकग्राउंड है, तो इस बैकग्राउंड को उठा कर मैं इस पेज पर रख देता हूँ और इसको इसी के मेल में मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद ही मेरे पास फोटो है। फ़ोटो को भी उठा के इस पर मैं रख के इस पर ला के छोड़ देता हूँ और इसको भी फ़ोटो के साइज में कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आइए इरेजर टूल। इरेजर में सबसे पहला है इरेजर टूल। इरेजर टूल को हम लोग लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका ब्रश का साइज अगर आप अपना देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी सबसे पहले आपको इस पर क्लिक होना चाहिए फोटो पर, इस पर, इसलिए ब्रश का साइज नहीं आ रहा था। और यहाँ पर देखिए ब्रश का साइज देख लीजिए, इसका हार्डनेस देख लीजिए कितना रखना चाहते हैं, ना तो यहाँ से सॉफ्ट हार्डनेस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका जनरल ब्रश है, ये ड्राई मीडियम ब्रश इस तरह से आएगा। और ये आपको ये भी है, देखिए इस तरह ब्रश आएगा और इसमें आपको इस तरह से ब्रश आएगा, लेकिन हम लोग इसमें कोई नहीं लेना, हमको सिर्फ इस तरह से ब्रश लेना है, ठीक है। कुछ हार्डनेस भी कर लेना है। चलिए, हो गया। अब मैं इसको इरेजर करता हूँ। इस पर कलर रखते हुए मैंने इसको इरेजर कर लिया। चलिए, इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ। इसको इरेजर करने के लिए है कि बहुत बारीकी से आपको इरेजर करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से आपको चलाना पड़ता है इरेजर। ये थोड़ा सा है, अब इसको आँख कभी हमें बंद कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड वाला आ रहा था, ठीक है ना, आपको यहाँ बंद कर दी, इसके बारे में बताएंगे। और ये हम लोग इरेजर कर रहे हैं तो बहुत बारीकी से कर रहे हैं, तब जाके इरेजर ये होगा। आपको जूम करके इसको करना है, ठीक है ना, जूम करके इसको करना है, तब जाके ये इरेजर होगा। लेकिन इतना बहुत परेशानी हो रहा है, हम क्या करते हैं, इस टूल का उपयोग हम लोग बहुत बारीकी से करना पड़ेगा, तब जाके इरेजर होगा, ठीक है। इसको वापस कर लिए यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से वापस कर सकते हैं इसको, मैं डायरेक्ट यहाँ से हिस्ट्री ब्रश वापस कर लिया हूँ, ठीक है ना। और फिर इस पेज को आपको कोई दिक्कत हो रहा समझने में तो यहाँ से देखिए, ये हिस्ट्री ब्रश से जितना भी आप वर्क करते हैं तो इसमें सब आपको आ जाता है, जिसमें जितना भी वर्क करते हैं सब इसमें आ जाता है। आगे पीछे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना वर्क किए थे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ब्रश को लेते हैं और यहाँ पर फिर आएंगे इरेजर में। अब इस ब्रश को ले लेंगे, यानी कि इस बैकग्राउंड इरेजर को लेंगे। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, फर्स्ट में क्लिक किया और इस फोटो पर मैंने क्लिक करूँगा, फर्स्ट में क्लिक करके इस फोटो पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसे क्लिक कर इसका सैंपल ले लिया। अब देखिए ये उससे ठीक ब्रश है, इसमें देखिए गोल एक प्लस का निशान है, तो प्लस को निशान को हम लोग चेहरा को अंदर नहीं लेके जाएंगे, चेहरा के अंदर नहीं लेके जाएंगे, तो ये अच्छा से आपको रिमूव करके आपको दे देगा। अगर आपके पास बैकग्राउंड प्लेन होगा तब, अगर आपके पास स्टूडियो है तो बैकग्राउंड प्लेन तो होगा ही, आप बैकग्राउंड प्लेन पर फोटो आप खींचबे करते होंगे। ये मल्टीपल बैकग्राउंड को अच्छा से रिमूव नहीं करता है, ये कलर जब बैकग्राउंड होगा तब वो आपको इससे
रिमूव करेगा। जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा हो गया, हल्का सा क्लिक करेंगे, देखिए रिमूव कर दिया। अब इसको फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में आते हैं, जितना कहाँ तक वर्क किए थे इतना तक वर्क किए, तो वापस कर दिए। अब हम दूसरा टूल को समझ लेते हैं। दूसरा टूल का यहाँ पर फिर है, इसी टूल में आते हैं यहाँ पर क्या करता है, एक बार इसको हम कलर ले लेंगे। अब हम फिर इरेजर करेंगे, तो देखिए मेरा पास चेहरा में भी ब्रश आ जा रहा है, फिर भी आपको इरेजर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका हम लोग एक बार इसका ले लिए, उसका सैंपल उठा लिए हम लोग। सैंपल जब उठा लेंगे तो देखिए मेरा ब्रश उसके अंदर भी चल जा रहा है, फिर भी वो रिमूव नहीं कर रहा है। समझ गए होंगे, ये सबसे अच्छा है। और फिर हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, और यहाँ तक वर्क किए थे, यहाँ तक भी वापस कर लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला का आते हैं, थर्ड वाला पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके इसके इसमें बैकग्राउंड का कलर ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं और इसमें से आके इसका बैकग्राउंड को यहाँ पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड का कलर ले लिए। अब यही कलर को रिमूव करेगा, बाकी कोई दूसरा कलर का आपको रिमूव नहीं करेगा, यही कलर के आपको रिमूव करेगा, बाकी दूसरा कलर को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कलर ले लिया उसी को रिमूव करेगा, बाकी दूसरा के कलर को ही रिमूव नहीं करेगा। ये देखिए बहुत जल्दी से रिमूव हम लोग कर दिए, ये देखिए तीनों टूल्स का आपको समझ गए, इतना तक ठीक है। इससे क्या होता है कि आगे पीछे करते जितना भी काम किया जाएगा तो हिस्ट्री ब्रश में आकर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैजिक वन टूल। इसको क्या काम है, एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपको बैकग्राउंड आपको रिमूव कर दिया एक ही बार में। अगर कहीं कहीं से छूट गया है तो फिर इसको हम वापस करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, और यहाँ पर अभी 10 से 15 करते हैं, अब फिर इसको क्लिक करते हैं। देखिए आपकी बारीकी से कर दिया, से कम बेसी आप कर सकते हैं।